नवादा शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरों ने नवादा पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए एक ही रात में 3 अधिकारी के आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों आवास से लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी की गई है। हालांकि अभी साफ साफ आकलन नहीं किया गया है कि चोरी किए गए नकदी और संपत्ति कितनी थी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि लाखों के जेवरात समेत लाखों रुपए नगद लेकर बेखौफ चंपत चोर हो गए। सभी लोग होली पर्व को लेकर अपने आवास बंद कर छुट्टी में घर चले गए थे, तभी बंद आवास देखकर चोरों ने हाथ साफ किया है। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई तथा गहन पूछताछ और जांच में जुटी है। आपको बता दी कि नवादा में पुलिस को चोरों द्वारा लगातार चुनौती देते हुए बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन अंकुश लगाने में पीछे है। अभी तक कई ऐसी घटना घटी है जिस पर अभी तक पुलिस ठोस कदम नहीं उठाई है। बताइए कैसे क्या हुआ? हम लोग होली के अवसर पर सब गांव गए हुए थे, उसी दौरान जो है रात में कुछ 4 क्वार्टर में ताला तोड़ा है। 1 क्वार्टर में कुछ चोरी नहीं किया गया, लेकिन 3 क्वार्टर में सामान जेवरात और कई से रुपये ले गया है। 2000 रूम में लगभग 10,000 रुपये का सामान मिल गया। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।